What's up guys, welcome back to Antarish Video। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या चीन भारत और अमेरिका के सामने टिक पाएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो देखते हैं। शेयर स्टडी चैनल से वीडियो है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भारतीय सेना को अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी सारे वेपन्स जो कि भारत को रशिया से मिलने वाले थे, अब उनकी डिलीवरी भारत को मिलने में लंबा समय तो लग ही रहा है। तो वही पुराने रशियन हथियारों को अपग्रेड करने में व उनके स्पेयर पार्ट्स आदि को हासिल करने में भी भारत को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वॉर के देख साइड इफेक्ट्स, यहाँ तक कि अब तो रशिया खुद भारत व अन्य देशों से अपने कई डिफेंस इक्विपमेंट्स को वापस खरीदने में लगा हुआ है। ऐसे में ना चाहते हुए भी भारत को रशियन हथियारों के विकल्प के रूप में अन्य देशों से हथियार खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय सेना को अपनी घरेलू डिफेंस कंपनियों से हथियार मिलने में अभी काफी लंबा समय लगने वाला है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान जैसे अपने दो पड़ोसी दुश्मनों को काउंटर करने के लिए भारत को अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल आदि देशों से ही अपनी डिफेंस आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। बिल्कुल। और अमेरिका व बाकी यूरोपियन देश तो वैसे भी लंबे समय से यही चाहते थे कि भारत जैसा बड़ा डिफेंस पार्टनर रशिया को छोड़कर उनके साथ डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत कर ले। हालांकि अमेरिकन हथियारों की क्वालिटी काफी रिलायबल होती है और ये दुनिया भर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते रहे हैं। साथ ही अमेरिका चीन के खिलाफ भारत की हर संभव मदद कर सकता है, क्योंकि इस समय वर्ल्ड सुपर पावर की रेस में अमेरिका की बादशाहत को सबसे बड़ा खतरा चाइना से ही है। और जैसे जैसे भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे चाइना व उसकी जनता की नजरों में भारत एक बड़े खतरे के रूप में भी उभरता जा रहा है। इसीलिए चाइना आए दिन भारतीय सेना को चाइनीज मिलिट्री के सामने कमजोर दिखाने की कोशिश करता रहता है, ताकि चाइनीज मिलिट्री व जनता के मन में भारतीय सेना के प्रति जो डर बनता जा रहा है उसे कुछ कम किया जा सके। लेकिन क्या होगा यदि भारत और अमेरिका दोनों ही देश मिलकर चाइनीज मिलिट्री के सामने खड़े हो जाएं? ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा? ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में भारत और अमेरिका की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले चाइना की टोटल मिलिट्री पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, हाल ही में किस देश ने फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया है, पाकिस्तान या ईरान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान लग रहा है। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो चाइना अकेले दुनिया का 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, तो वहीं इंडिया और यूएस मिलकर दुनिया के करीबन 13.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर मौजूद है। चाइना की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ के लगभग है और ये दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, क्योंकि नंबर वन पर अब भारत आ चुका है। भारत और अमेरिका की करंट पॉपुलेशन कुल मिलाकर 175 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। नॉमिनल जीडीपी में चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की हो चुकी है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो कि भारत के साथ मिलकर टोटल 30 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू तक की नॉमिनल जीडीपी रखता है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो चाइना अपने डिफेंस पर इस साल के लिए 250 से लेकर 300 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच का खर्चा कर सकता है। अमेरिका और भारत दोनों मिलकर अपने डिफेंस पर करीबन 950 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा करते हैं, जिसमें अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है। और चाइना के डिफेंस बजट के बराबर तो अमेरिका अपने देश से बाहर ही खर्च कर देता है। मिलिट्री पावर रैंक की बात करें तो चाइनीज मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर फौज है, इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, तो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री रखने वाला देश है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। लैंड पावर की बात देखना, तो चाइनीज मिलिट्री में टोटल 19 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद है।
यूएस एंड इंडियन मिलिट्री के पास 28 लाख से भी ज्यादा टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल अवेलेबल हैं। मेन बैटल टैंक्स की 5000 से ज्यादा यूनिट्स चाइनीज आर्मी के पास हैं। इंडिया यूएस दोनों के ही पास 10,000 से भी ज्यादा मेन बैटल टैंक्स अवेलेबल हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 4100 से ज्यादा यूनिट्स चाइना के पास हैं। इंडिया और यूएस के पास 1100 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 1700 से ज्यादा यूनिट्स चाइना के पास हैं। इंडिया और यूएस के पास 4600 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। इसके बाद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 3200 से ज्यादा यूनिट्स चाइनीज आर्मी के पास हैं। इंडिया और यूएस के पास भी करीबन इतने ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें एयर पावर के बीच कंपैरिजन। एयर पावर की बात आ जाएगी ना, तो चाइनीज मिलिट्री के पास टोटल 3500 के करीब विभिन्न प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इंडिया और यूएस दोनों के ही पास 15600 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 1700 से ज्यादा यूनिट्स चाइना के पास हैं। इंडिया और यूएस के पास 2500 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की 500 से ज्यादा यूनिट्स चाइना के पास हैं। इन दोनों ही देशों के पास 900 से ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 300 से ज्यादा यूनिट्स चाइना के पास हैं। इंडिया और यूएस के पास 1100 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की करीबन 350 से 400 यूनिट्स चाइना के पास हैं। इंडिया और यूएस दोनों के ही पास 5560 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स अवेलेबल हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो चाइनीज नेवी के पास टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अवेलेबल हैं। इंडिया और यूएस दोनों ही देशों की नेवीज टोटल 13 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करती हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स चाइनीज नेवी के पास हैं। इंडिया यूएस में केवल यूएस नेवी के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर शिप्स मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 50 यूनिट्स चाइनीज नेवी के पास हैं। इन दोनों ही देशों के पास 103 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं, जिसमें अमेरिका के बैटल क्रूजर्स भी शामिल हैं। फ्रिगेट्स की 43 यूनिट्स चाइनीज नेवी के पास हैं। इंडिया यूएस में केवल इंडियन नेवी के पास 12 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 72 यूनिट्स चाइनीज नेवी के पास हैं। इंडिया और यूएस दोनों ही देशों की नेवीज के पास 42 कॉर्वेट शिप्स बताई जाती हैं, जिसमें अमेरिका की लिटरल कॉम्बैट शिप्स भी शामिल हैं। सबमरीन्स की 75 यूनिट्स चाइनीज नेवी के पास हैं। इंडिया और यूएस दोनों ही देशों की नेवीज 86 सबमरीन्स ऑपरेट करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने अमेरिका और भारत दोनों ही देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर। इस देखकर आपको क्या लगता है कि इसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। मैं अगर बात करूं ना, सबसे पहले चाइना बहुत मतलब कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन वो ये चाइना जहाँ पर वर्ड आता है, हम यही कहें कहते हैं कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। और अगर बात करी जाए अमेरिका की, अमेरिका नो डाउट बहुत ज्यादा अपना डिफेंस बजट पे फोकस करता है और एयरफोर्स उनकी बहुत स्ट्रांग है। और अभी हाल ही में इतने ज्यादा फाइटर जेट्स लॉन्च करे उन्होंने, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी उनके पास, मतलब हर तरीके से वो लैस है। और इंडिया के साथ मिलकर कहीं ना कहीं उनकी ताकत और बढ़ी जाएगी। और चाइना इस तरीके से बात करें तो कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बजट वाइज भी ज्यादा है अमेरिका और इंडिया के पास हर एक चीज। और जो हौसले वाली जज्बे वाली बात होती ना, वो भारतीय सेना में है। ये चीज तो हम भी एग्री करेंगे, आप लोग भी एग्री करें। लेकिन आपको क्या लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि चाइना क्या मतलब टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस हो सकता है? भाई देखो, हमें तो क्योंकि मुझे लगता है चाइना जो भी जाता है टेक्नोलॉजी, खिलौने विलौने हम देखते हैं वो तो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, लेकिन क्या पता अत्याधुनिक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी अपने पास रखता हूँ, क्योंकि आईफोन भी वही मैन्युफैक्चर होते हैं। इतनी चीजें वहां मैन्युफैक्चर हुई, पूरी दुनिया में जाती है। अभी हाल ही में हमने कल लैपटॉप लिया है, उस लैपटॉप का चार्जर तक, अब वो इतना महंगा लैपटॉप इंडिया में मिल रहा है तो खिलौना तो है नहीं, उसका चार्जर भी, क्योंकि वारंटी भी मिल रही है, तो वो भी चाइना से आ रहा है। तो उनके पास टेक्नोलॉजी एक्सट्रीम लेवल की भी होती है जो छुपा रहे हैं दुनिया से। जब कोरोना जैसे वो चार्जर कैसा है, मैंने तो पहली बार देखा, वो ऐसा चार्जर डंबल रख लिया। आप अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करना, बाकी जितना हो सके वीडियो शेयर कर दें और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।